हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 2, जल ही जीवन है। ठीक है ना, पाठ 2 जल ही जीवन है, यह एक निबंध लेखन है। ठीक है ना, इस चैप्टर में आपको जल संरक्षण का महत्व है ना, जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीकें हैं और जल को किस प्रकार से बर्बाद ना किया जाए, है ना, जल संरक्षण के महत्व के बारे में आपको और इसकी वैज्ञानिक तकनीकें क्या क्या हैं ये सब बताया गया है आपको इस चैप्टर में। उसके साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मानक भाषा का प्रयोग भी बताया गया है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं, ना जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो होते हैं वह जल के बिना नहीं हो सकते हैं। प्रकृति द्वारा दिया गया, जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है ना, जो जल है वह हमें प्रकृति की देन है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है ना। जल जो है उसे प्राचीन काल से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है ना। गंगा आपने सुना है ना, गंगा नदी, तो गंगा के जल को अमृत माना गया है ना। इसलिए कहते हैं ना कि गंगा जो है सभी को पवित्र करने वाली है, सभी के पाप धो देती है, इसलिए कहा गया है गंगा को पतित पावनी, है ना, पापियों का उद्धार करने वाली गंगा। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं, है ना। जल जो है वह हमारी अमूल्य धरोहर है। ओके, अमूल्य धरोहर है, इसका संरक्षण यदि हम करें, इसे बचा कर रखें, तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है और वर्तमान पीढ़ी भी जो है वह बहुत ही खुशहाल, सुखद होकर जी सकती है, रह सकती है ना। क्योंकि अभी पानी की जो स्थिति है, जल जो है वह बहुत उसकी कमी होते जा रही है, इसलिए यह अमूल्य धरोहर है, इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय में तो है ही जरूरी, आने वाली भावी पीढ़ी मतलब फ्यूचर में भी बहुत ही यह जरूरी है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है ना। पृथ्वी में उपलब्ध जल और वर्षा जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, है ना, जैसे कुएं, तालाब, नदी, है ना, यह उन्हें हमें गंदा भी नहीं करना चाहिए। और जो वर्षा का जल, बारिश में जो बरसात का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उसे भी हमें संचित करके उस जल को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, है ना। उन्हें संचित मतलब इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, जल संरक्षण के अंतर्गत यह आता है ना। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की, क्योंकि जल जो है वह बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना, क्योंकि जल तो जीने के लिए आवश्यक है ही, साथ ही साथ हमारे प्रत्येक दैनिक कार्य जो होते हैं वह जल के बिना भी संभव नहीं हो सकते हैं, है ना। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई प्राणी हो, पशु पक्षी हो, है ना, कोई भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें, हम सभी को, है ना, किसी एक के करने से यह नहीं होगा, हम सभी को एक पहल करनी चाहिए, एक साथ मिलके जल संरक्षण करने की। ठीक है ना, भूजल अमूल्य है ना। भूजल मीन्स जो भूमि के अंदर का जल है वह बहुत ही अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है
उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं, है ना। सही बात है, यदि जैसे किसी के घर में बोरिंग है ना, या फिर नल का पानी भी है, तो जहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी लगना है, एक बाल्टी पानी लगना है, एक जग पानी लगना है, तो पानी देखते हैं कि पानी आ रहा है तो एक की जगह पर हम दो यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जल की बर्बादी जो न है वह नहीं करना है, क्योंकि भूमिगत जो जल है ना, भूमि के अंदर का जो जल है वह भी तो खत्म होता है ना, बर्बाद हमें इसे नहीं करना है। भूमि के भीतर जो जल है उसे हमें सुरक्षित रखना है ना, उसे हमें संरक्षित करके रखना है, ताकि हम अपनी भूमि का ऋण चुका सकें, ठीक है ना। तो हमें जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें प्रयोग करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, एक पेज जो हमने इस चैप्टर को रीड किया और समझा, आप उसे फिर से एक बार अच्छे से रीड करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।